खबर शेयर करते हैं जहां मीरपुरा में ओला गिरने से बड़ा नुकसान हुआ। आपको बता दें कि शेरगढ़ के मीरपुरा में आए आंधी व तूफान से मिश्रे खान हैदर खान के घर पर काफ़ी नुकसान हुआ। वहीं आपको बता दें कि घर में लगे सीमेंट के पत्रे टूट गए। मिश्रे खान ने बताया कि अचानक आए आंधी व तूफान के कारण हम कुछ नहीं कर पाए, ऐसे में ओले धड़ाधड़ घर के ऊपर गिरने लगे और पत्रों से आर पार होने लगे। वहीं अपनी जान बचाकर वे भागने में कामयाब हुए। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में और भी कई बड़ा नुकसान होने की खबर है। पत्रे गिरने से कई रुपयों का नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि वहीं सीमेंट के पत्रे टूटे जो टूटे, वहीं पशुओं को भी बचाना उस समय मुश्किल हो गया था। आपको वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मीरपुरा सरपंच लादू खान ने क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया। आपको बता दें कि वहीं सरपंच लादू खान ने बताया कि कई घर ऐसे हैं जिनके घर के ऊपर सीमेंट के पत्रे लगे हुए हैं। ओले तेजी से गिरने के कारण सीमेंट के पत्रे टूट गए। सूझबूझ से कई लोगों को बचाया गया। वहीं सरपंच साहब ने कहा कि लोगों को सुरक्षित रहने की हिदायत दी। आपको बता दें कि जोधपुर में भी रविवार को दिन भर भीषण गर्मी के बाद लोग परेशान हुए। शाम होते होते अचानक मौसम बदल गया। आंधी व तूफान के कारण तेज होने के कारण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई जगह पेड़ गिरे। गनीमत यह रही कि पेड़ गिरे उस समय लोग पास नहीं थे। दुकानों के आगे टीन शेड लगे, गिरने से लोगों को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। वहीं घंटों तक तेज आंधी चली। दिन भर में फलोदी जिले में भी रविवार दोपहर 2 बजे के आसपास आई आंधी तूफान तेज बारिश होने से आसपास ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह पानी भर गया। किसानों के खेत डूबे नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, SKJ TV। I'm here.